दिल्ली की केजरीवाल सरकार के हेल्थ मॉडल का एक बेहद अहम हिस्सा है मोहल्ला क्लिनिक। मोहल्ला क्लिनिक यानी कि आपके गली मोहल्ले या कॉलोनी के पास में एक वो जगह या वो क्लिनिक जहां पर आप छोटी मोटी बीमारियों का इलाज करवा सकते हैं, मुफ्त दवा ले सकते हैं, मुफ्त टेस्ट करवा सकते हैं। लेकिन पिछले कुछ महीनों से जो मोहल्ला क्लिनिक लोगों को स्वस्थ बनाने का काम कर रहे थे वो ही बीमार हो गए थे। यानी यहाँ पर जो डॉक्टर्स और बाकी स्टाफ हैं उनको सैलरी नहीं मिल रही थी, यहाँ दवाई नहीं पहुंच पा रही थी, दवाई नहीं मिल रही थी पेशेंट्स को, और यहाँ पर टेस्ट जो है वो नहीं हो पा रहे थे। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखकर आरोप लगाया है कि ये सब एक षड्यंत्र के तहत किया गया, और अधिकारी दबी जबान में बता रहे हैं कि ये सब एलजी के कहने पर, उपराज्यपाल के कहने पर किया गया। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अपनी चिट्ठी में ये आरोप लगाया है कि दिल्ली में एमसीडी चुनाव से ठीक पहले दिल्ली की जनता को परेशान करने का एक गहरा षड्यंत्र रचा गया। दिल्ली सरकार में बैठे कुछ अफसरों ने जानबूझकर फाइलों को कुछ इस तरह घुमाया कि एमसीडी चुनाव से ठीक दो महीने पहले यानी अक्टूबर और नवंबर के महीने में मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टर की सैलरी नहीं दी गई, सारे टेस्ट रोक दिए गए। यही नहीं, मोहल्ला क्लिनिक के बिजली के बिल भी रोक दिए गए, और जहां पर मोहल्ला क्लिनिक किराए के भवनों में चल रहे हैं उनका किराया भी जमा नहीं होने दिया गया। अपनी चिट्ठी में मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया कि स्वास्थ्य विभाग और वित्त विभाग के अधिकारी लगातार कोई ना कोई बहाना बनाकर फाइलें इधर से उधर घुमाते रहे। मैंने जब अधिकारियों से इस बारे में बात की तो आधिकारिक रूप से तो वो कुछ ना कुछ तकनीकी वजह बताते रहे, लेकिन दबी जबान में यह भी बताते रहे हैं कि एलजी साहब की तरफ से सख्त निर्देश थे कि एमसीडी चुनाव के पहले पेमेंट नहीं करनी, नहीं तो सस्पेंड कर दिए जाओगे, क्योंकि सर्विसेज आपके पास है इसलिए सभी अफसर आपसे डरते हैं। मनीष सिसोदिया का कहना है कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि केजरीवाल सरकार से जनता नाराज हो। इससे पहले शुक्रवार को जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उपराज्यपाल के साथ बैठक करके आए थे तो उसके बाद उन्होंने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इससे जुड़ा हुआ ये दावा किया था। मैंने उनको फिर बताया कि पिछले तीन महीने में लगभग सभी डिपार्टमेंट्स में सारे ऑफिसर्स ने सारी पेमेंट्स रोक दी हैं। दिल्ली सरकार में जल बोर्ड की सारी पेमेंट्स रोक दी गई हैं। नतीजन कई एसटीपी बन रहे थे हमारे, कई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स बन रहे थे, सबकी कंस्ट्रक्शन रुक गई है। दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक्स में दवाइयां बंद कर दी गई हैं, टेस्ट बंद कर दिए गए हैं, डॉक्टर्स की तनख्वाह बंद कर दी गई है, रेंट बंद कर दिए गए हैं, बिजली के बिल बंद कर दिए गए हैं। बस मार्शल्स की तीन महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। दिल्ली की डीटीसी की बसों में जो बस मार्शल चलते हैं उनकी तनख्वाह नहीं मिली है। हॉस्पिटल के स्टाफ को तनख्वाह नहीं दी जा रही है। डीटीसी के अंदर तनख्वाहें नहीं दी जा रही हैं, डीटीसी की पेंशन नहीं दी जा रही है, बिजली की सब्सिडी रोक दी गई है, ओल्ड एज पेंशन रोक दी गई है। अफसरों से जब पूछो तो अफसर कहते हैं कि एलजी दफ्तर से इनडायरेक्टली कहा गया है कि सब कुछ रोक दो। एमसीडी चुनाव के तीन महीने पहले सब कुछ रोक दिया गया ताकि एमसीडी चुनाव के अंदर हमें नुकसान हो। मैंने कहा सर आपने ऐसा क्यों किया? नहीं नहीं मैंने तो नहीं किया। मैं कह सर सारे अफसर दबी जुबान में बोल रहे हैं कि हमें एलजी ऑफिस से आदेश दिया गया है कि सारी पेमेंट्स रोक दो। हालांकि अरविंद केजरीवाल के इस दावे को उपराज्यपाल की तरफ से खारिज कर दिया गया, और मुख्यमंत्री ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उसके थोड़ी देर बाद ही उपराज्यपाल की तरफ से भी जो है बयान जारी हुआ, और उसमें यह कहा गया कि बैठक के बाद मुख्यमंत्री द्वारा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एलजी के बारे में दिए गए सभी बयान, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों, प्रशासक के रूप में शक्तियां, सभी विषयों पर सर्वोच्चता और अधिकारियों को निर्देश भ्रामक, स्पष्ट रूप से झूठे और मनगढ़ंत हैं, और एक विशेष एजेंडा के अनुरूप तोड़ मरोड़ कर पेश किए गए हैं। इन बयानों का स्पष्ट रूप से खंडन किया जाता है। मुख्यमंत्री को संविधान के प्रावधानों, संसदीय अधिनियमों और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के अनुसार कार्य करने और मौजूदा कानून को सिर्फ इसलिए कम करने से बचने की सलाह दी जाती है क्योंकि इस कानून को अदालत में चुनौती दी गई है। अब जरा इन आरोपों और खंडन से अलग चलते हैं। पिछले महीने दिल्ली विधानसभा की याचिका समिति की एक बैठक हुई जिसके अंदर एक मुद्दा था कि मोहल्ला क्लिनिक के अंदर जो स्टाफ है उसको वेतन नहीं दिया जा रहा, दवाई नहीं जा रही वहां पर और टेस्ट वहां पर नहीं हो पा रहे। मैं खुद इस बैठक को कवर कर रहा था, इसमें स्वास्थ्य विभाग और वित्त विभाग के आला अधिकारी मौजूद थे।
तो जब पूछा गया स्वास्थ्य विभाग से कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कहा कि वो हर 3 महीने में मोहल्ला क्लिनिक के लिए पैसा रिलीज कराने के लिए वित्त विभाग को फाइल भेजते हैं। इस बार जब फाइल भेजी गई, 2-3 महीने पहले की ये बात है जो उसमें कोर्ट की जा रही थी, जब इस बार फाइल भेजी गई तो वित्त विभाग ने उनसे कहा कि इससे जुड़ा हुआ जो कैबिनेट का ऑर्डर है वो दीजिए, और साथ में कुछ जो अमेंडमेंट हुए हैं उनकी कॉपी भी आप इसमें अटैच कीजिए। तो इसको लेकर, ये जो ऑर्डर मांग लिया, इसको लेकर जो है फाइल वित्त विभाग और स्वास्थ्य विभाग के बीच में घूमती रही, और इसकी वजह से ये मोहल्ला क्लिनिक जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी कि वो लोगों को जो है चंगा करे, उनको स्वस्थ करे, उनका इलाज करे, वो खुद ही बीमार हो गया। अब सवाल यह है कि अगर किसी अधिकारी ने कोई डॉक्यूमेंट मांग भी लिया, कोई कैबिनेट ऑर्डर मांग भी लिया, तो इसे षड्यंत्र कैसे कहा जा सकता है, या फिर यह कैसे कहा जा सकता है कि जानबूझकर काम रोकने के लिए या किसी योजना में अड़ंगा लगाने के लिए यह सब किया गया, क्योंकि अधिकारी तो डॉक्यूमेंट मांगते ही हैं, तो हो सकता है उसी प्रक्रिया के तहत या अपने कागज पक्के करने के लिए जो है ये डॉक्यूमेंट मांगा गया हो। दरअसल ये कोई अकेला मामला नहीं है, याचिका समिति के सामने एक और मामला आया जिसके अंदर जो दिल्ली सरकार के अस्पताल हैं उनमें जो डेटा एंट्री ऑपरेटर काम करते थे उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है खत्म हो गया और आगे रिन्यू नहीं किया गया। इसकी वजह से दो तरफ समस्या हुई। पहला, ये जो लोग काम कर रहे थे डेटा एंट्री ऑपरेटर के तौर पर वो बेरोजगार हुए, वहीं दूसरी तरफ जो लोग अस्पतालों में आते हैं उनको समस्या हुई, क्योंकि जो डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं ये ओपीडी कार्ड बनाने का काम करते हैं। सबसे पहले जैसे आप अस्पताल में अपने आप को अपने को अपना कोई मर्ज दिखाने जाते हैं तो सबसे पहले डेटा एंट्री ऑपरेटर से ही आप रूबरू होते हैं, वही आपका कार्ड बनाता है और फिर वही कार्ड जो है जो डॉक्टर है उसके सामने आप लेकर जाते हैं। बीमारी के दौरान जो है ये पूरा ओपीडी कार्ड चलता है। तो जब ये मामला सामने आया याचिका समिति के, तो जब स्वास्थ्य विभाग से पूछा गया तो स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि उनको जो है वित्त विभाग ने यह कहा कि ये जो डेटा एंट्री ऑपरेटर जो हैं दिल्ली सरकार के अस्पतालों में रखे जा रहे हैं इनके लिए आप पहले एआर स्टडी करवाइए। एआर स्टडी यानी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म स्टडी, यानी कि साइंटिफिक तरीके से आप ये पता लगाइए कि किस अस्पताल में कितने डेटा एंट्री ऑपरेटर की जरूरत है। तो इसकी वजह से जो है बहुत से जो डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं उनको जो है अस्पताल से हटा दिया गया, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिन्यू नहीं हुआ। सवाल ये उठा कि ये जो एआर स्टडी करवानी भी थी तो ये एआर स्टडी आप करवा लीजिए, लेकिन आप ये तो नहीं कर सकते कि लोगों को पहले हटा दें और उसके बाद स्टडी करने बैठें। होना ये चाहिए आमतौर पर कि आप स्टडी करवा लें और उसके बाद आगे अस्पतालों को एडवाइस करें कि आपको इतने नहीं इतने स्टाफ की जरूरत है, या आप इतने ज्यादा रखे हुए हैं आपको थोड़ा कम करने की जरूरत है। लेकिन यहां पर जो है कॉन्ट्रैक्ट जो है डेटा एंट्री ऑपरेटर का खत्म कर दिया गया और आगे जो है नया कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं, जिसकी वजह से अस्पतालों में डेटा एंट्री ऑपरेटर की कमी हो गई। और दूसरी तरफ जो कई साल से डेटा एंट्री ऑपरेटर के तौर पर लोग काम कर रहे थे वो बेरोजगार हो गए। अब ताजा मामला है दिल्ली सरकार के स्कूलों के जो सरकारी टीचर्स हैं उनको ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजने का। इसको उपराज्यपाल ने खारिज तो नहीं किया है, लेकिन इसमें जो निर्वाचित सरकार है उसको ये सलाह दी है कि एक तो इसकी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कराई जाए, यानी इसका मतलब ये है कि जो पैसा सरकार खर्च कर रही है टीचर्स के इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम पर इसका किस तरह का और कितना फायदा है, और दूसरा विदेश के बजाय जो है देश में ही ऐसे प्रोग्राम कराने की जो है कोशिश की जाए। अब सरकार ये कह रही है, अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो है वो इस तरह के प्रोग्राम का कैसे हो सकता है, और अगर ऐसा हो सकता है तो क्या जो है सीएम और एलजी की भी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कराई जा सकती है। अब क्योंकि इतने सारे मामले एक साथ हो रहे हैं, दिल्ली नगर निगम में भी बहुत से फैसले उपराज्यपाल ने या तो जो चुनी हुई सरकार के जो सिफारिशें हैं उनको खारिज कर दिया या खुद अपनी तरफ से उपराज्यपाल ने
फैसला लागू कर दिया। वहीं दिल्ली हज समिति का जो गठन है वो भी उपराज्यपाल ने खुद ही कर दिया और चुनी हुई सरकार से उन्होंने जो है इस पर सलाह मशवरा नहीं किया, जबकि इससे पहले चुनी हुई सरकार ही जो सिफारिश भेजती थी उसको माना जाता था। 2018 के बाद से लगातार ही जो चुनी हुई सरकार की सिफारिश है उसको ही माना जाता है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने भी यह फैसला सुनाया था कि तीन विषयों को छोड़कर, लैंड, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, इन तीन विषयों को छोड़कर जो दिल्ली की चुनी हुई सरकार होगी उसकी सलाह, उसकी एड एंड एडवाइस मानना ही उपराज्यपाल के लिए बाध्यकारी होगा। यह साथ में यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जो तीन विषय हैं इनको छोड़कर बाकी जो सारे विषय दिल्ली सरकार को ट्रांसफर किए गए हैं उनमें उपराज्यपाल जो हैं वो अपनी तरफ से कोई स्वतंत्र फैसला नहीं कर सकते। तो जब इस तरह के फैसले भी सुप्रीम कोर्ट के हैं और पहले से भी कुछ जो परंपराएं हैं वो चल रही हैं, तो जब फैसला जो है उससे अलग उपराज्यपाल जो हैं वो जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, परंपराएं जो हैं वो पहले के मुकाबले अब जो हैं कुछ और होती हुई दिखाई दे रही हैं, तो सवाल तो उठेंगे ही। शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।